पूर्व भारतीय दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था कि जब वो अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे हों उस समय वो महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का देखना चाहेंगे जो उन्होंने 2011 विश्व कप के फाइनल में खेला था। महेंद्र सिंह धोनी और आखिरी गेंद पर छक्का, इस लव स्टोरी का कोई अंत नहीं है। जितनी बार इसे देखते जाओ उतना ही कम है। महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसे कई मौके हैं जहां पर आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाया है। उनमें से कुछ पांच मौकों को आज हम आपको याद दिलाने वाले हैं। पहला, जयपुर में भारत और श्रीलंका के बीच 2005 में एक दिवसीय मैच खेला जा रहा था जहां पर भारतीय टीम एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी। मैच में महेंद्र सिंह धोनी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे जहां पर ही उन्होंने 183 रनों की पारी खेली थी जो उनके एक दिवसीय करियर की सबसे बड़ी पारी भी है। इस मैच का अंत महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़े छक्के से किया था जो उन्होंने तिलक रत्न दिलशान की गेंद पर लगाया था। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कितना बड़ा और दबावपूर्ण होता है यह हर किसी को पता है। ऐसा ही एक मुकाबला एशिया कप 2008 में खेला जा रहा था जहां पर पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर बनाया था। भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी। एक समय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे जहां पर उन्होंने एक ऐतिहासिक पारी खेली थी। इस मैच का अंत भी धोनी ने ऐतिहासिक छक्के के साथ किया था जो उन्होंने यूनिस खान की गेंद पर लगाया था। वेस्टइंडीज में भारतीय टीम एक त्रिकोणीय श्रृंखला खेल रही थी जहां पर तीसरी टीम श्रीलंका थी। फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था। आपको बता दें कि मैच के आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी जहां पर भारतीय टीम ने अपने 9 विकेट गंवा दिए थे। मैदान पर धोनी के साथ ईशांत शर्मा दे रहे थे। श्रीलंका की तरफ से समिंडा इरंगा आए गेंदबाजी करने के लिए जिस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 15 रन बनाए। इस मैच का भी अंत महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर किया था जिसके कारण यह मैच ऐतिहासिक बन गया। एशिया कप 2016 का फाइनल, भारत और बांग्लादेश की टीम फाइनल में एक दूसरे के सामने खड़ी थी। भारतीय टीम 121 रनों के लक्ष्य का पीछा 15 ओवर में कर रही थी। मैदान पर विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। बांग्लादेश की तरफ से ओवर लेकर के आए अल अमीन हुसैन जहां पर धोनी ने उनके आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच को खत्म किया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम के लिए ये आखिरी खिताब भी साबित हुआ था। 2011 विश्व कप, हर भारतीय क्रिकेट फैंस को ये पल याद रहा होगा। भारत की टीम फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ खेल रही थी। एक समय टीम बहुत ही मुश्किल में नजर आ रही थी जिस समय महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इस मैच में आपको बता दें कि युवराज सिंह से पहले बल्लेबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी आए थे जो युवराज सिंह उस पूरे विश्व कप में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मुथैया मुरलीधरन को देख करके उन्होंने फैसला किया कि वो पहले बल्लेबाजी करने जाएंगे जिससे युवराज सिंह को मुश्किलों का सामना न करना पड़े और टीम को जीत की तरफ ले जाया जा सके। इस मैच का अंत भी महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाकर किया था। नुआन कुलशेखरा की गेंद पर वो छक्का कोई भी भारतीय क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकता क्योंकि 28 साल के बाद आखिरकार हम विश्व विजेता बने थे। धोनी के इस छक्के को आज भी कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन नहीं भूला है जिसके कारण ही इसे ऐतिहासिक पल करार दिया गया है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।